This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. Hello everybody, welcome to Gateway Solutions. कैसे हैं आप लोग? Friends, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए RDP बनाने का नया मेथड लेके आया हूं। क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स का कमेंट था कि हमने जो Google Cloud पर Google Cloud Shell को यूज करते हुए Windows की RDP क्रिएट की थी, उनकी क्वेरी क्या थी कि क्या हम Google Cloud Shell को यूज करते हुए Ubuntu का, Debian का, Linux का RDP क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। तो उन्हीं की क्वेरी के ही लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग Google Cloud Shell को यूज करते हुए Debian Linux का OS इंस्टॉल करेंगे, ओके? और ये आपको RDP विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट मोबाइल वेरिफिकेशन, विदाउट क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलेगी और वो भी लाइफ टाइम के लिए। बस कंडीशन ये है कि आपने पूरा वीडियो देखना है और वो भी स्किप किए भी बिना और इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ओके? तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप क्रोम यूज कीजिए, फायरफॉक्स यूज कीजिए, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे cloud.google.com, ओके? तो ये लिंक आ चुका है, मैंने इसे क्लिक करके ओपन कर लिया, ओके? यहाँ पर आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप जिस ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए, अपना यूजर नेम डालिए और उसके बाद पासवर्ड टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। आप लोग Google Cloud Shell में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक? हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आप टॉप राइट कॉर्नर में देखें, यहाँ पर हमें कंसोल बटन एक शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना, ओके? तो ये आपका लोड हो जाएगा, ओके? फिर हमने वेट करना है, थोड़ी प्रोसेसिंग ले रही है, तो आपने यहाँ पर अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आई एग्री को टिक कर लेना है, फिर आपने एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, ओके? अब हम यहाँ पर इस मेल के अकाउंट के थ्रू लॉगिन हो चुके हैं, ओके? अब नेक्स्ट जो हमारा काम रहेगा, हमने क्लिक करना है एक्टिवेट क्लाउड शेल पर, ओके? ये भी टॉप राइट कॉर्नर में ही मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना। तो हम वेट करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूं, ये हमारा यहां से बड़ा हो जाएगा, न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं ताकि आपको सारी कमांड्स प्रॉपर विजिबल हो। और यहां पर जो जो कमांड्स हमने यूज करनी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको वो सारी कमांड्स मैं अपने ब्लॉग में भी एक पोस्ट क्रिएट कर दूंगा। चाहे आप डिस्क्रिप्शन में से उन कमांड्स को यूज कर लीजिए, चाहे आप ब्लॉग में से यूज कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है, ओके? तो ये हमारी कमांड्स हैं, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर कर दी है, असाइन कर दी है कि पहले हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, थर्ड स्टेप क्या रहेगा। ये जो 1, 2, 3, 4 नंबरिंग है इसका मीनिंग यहाँ पर स्टेप्स, आपने इन्हें फॉलो करना है जिस तरह से मैं इस वीडियो में करूंगा, अपने डिटो आपने उनको कॉपी करना, ठीक? अब हम चेक कर लेते हैं एक बार sudo कमांड रन करके कि क्या हमारे पास यहाँ कमांड्स के लिए एक्सेस है। तो मैंने sudo टाइप किया और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ओके? तो आप देख सकते हो हमारी sudo कमांड रन हो रही है यहाँ पर, ओके? अब हम स्क्रीन को कर देते हैं क्लियर। अब हमने नेक्स्ट कमांड रन करनी है। कंसोल में जो हम रिमोट कंप्यूटर बना रहे हैं उसके अंदर हम रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए ये जो फर्स्ट कमांड है उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, ओके? आप इसे यहां से कॉपी कर लीजिए, तो इससे हमारा क्रोम का रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक? मैंने कॉपी किया, उसके बाद मैंने यहां पर कमांड लिखी vget, उसके बाद मैंने जो लिंक कॉपी किया था उसे कर दिया पेस्ट। अब हम यहां पर इंटर प्रेस कर देंगे, ओके? तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है जो हमें रिमोट डेस्कटॉप के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अब ये लास्ट रो में यहाँ पर इसका नाम शो हो रहा है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। शेल में आप जिस चीज को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। के बाद हम क्लियर कमांड की हेल्प से इसे कर देते हैं क्लियर। अब हम जो हमने डाउनलोड किया रिमोट डेस्कटॉप के लिए सॉफ्टवेयर उसे हम लोग करेंगे इंस्टॉल। तो sudo apt install
उसके बाद डॉट बैक स्लैश, ये हमारे से रह गया था, ये हमारी मिस्टेक थी। और उसके बाद डॉट स्लैश का मीनिंग क्या होता है कि जिस करंट लोकेशन में हम हैं, जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, वहीं पर ये फाइल पड़ी है जिसे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से इसे कमांड को समझ लीजिए और उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर दे। अब हमें यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है कि लगभग 150 MB एडिशनल स्पेस चाहिए इस सॉफ्टवेयर के लिए, क्या आप करना चाहते हो कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपने वाई प्रेस करके इंटर प्रेस कर देना। ओके, तो यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है, इसे हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। ओके, यहाँ पर आपको कीवर्ड लेआउट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने ये जो फर्स्ट है इंग्लिश इसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर वन टाइप कीजिए, आप हमने नंबर देना है और उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारा रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के लगभग करीब है। अब हम फिर से स्क्रीन को कर देते हैं क्लियर। अब हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। ओके, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम यूज कर रहे हैं XFCE। ये बहुत ही लाइट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, आप लोग जीनोम भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप KDE भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैंने इसे इसलिए यूज किया क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके लिए हम अपनी सेकंड कमांड को यहां से कॉपी करेंगे और शेल में जाएंगे, और शेल में जाने के बाद हम लोग यहां पर कमांड रन करेंगे W गेट, उसके बाद हम इसे कर लेंगे यहां पर पेस्ट। ओके, और इंटर प्रेस कर देंगे। ओके, सॉरी, यहां पर हमने W गेट नहीं यूज करना है, यहां से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा पाथ को, आपने पूरी कमांड लेनी है और उसे सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना। तो इसे भी हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा रिमोट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम फिर से कर देते हैं स्क्रीन को क्लियर और अब हम बढ़ेंगे अपनी थर्ड कमांड की तरफ। हमने अपने क्रोम का जो हमने रिमोट डेस्कटॉप क्रिएट किया है, उसके लिए आपने एक सेशन क्रिएट करना है, तो हमने कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा सेशन क्रिएट हो चुका है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है, जो ये लाइट DM सर्विस होती है, इसे हमने करना है डिसेबल, क्योंकि हमें चाहिए हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस बाय डिफॉल्ट ये लाइट DM एनवायरनमेंट मिलता है हमें, जो कि शेल एनवायरनमेंट होता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम ग्राफिक इंटरफेस यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कर देंगे डिसेबल। ओके, तो ये हमारा ये सर्विस हो चुकी है डिसेबल यहां पर। ओके, अब हम जाएंगे न्यू टैब के अंदर और यहां पर सर्च करेंगे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, और ये जो आपको फर्स्ट लिंक शो हो रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आप क्लिक करेंगे असेस माई कंप्यूटर पर, फिर आप क्लिक करेंगे सेटअप वाया SSH, फिर आपने बिगिन पर क्लिक करना है, फिर आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर आप ऑथराइज पर क्लिक कर देंगे। यहां से हम लोग ये जो डेबियन लिनक्स का कोड शो हो रहा है, इसे हम कर लेंगे कॉपी और वापस अपने जाएंगे शेल के अंदर और इसे कर देंगे यहां पर पेस्ट, उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना, ठीक। नेक्स्ट हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है हमारा शेल की आप 6 डिजिट की एक पिन सेट कीजिए, तो मैं यहां पर एक 6 डिजिट की पिन दे देता हूं इसे और इंटर प्रेस कर देता हूं। फिर हमें सेम पिन दोबारा डालने के लिए बोला जा रहा है, हम फिर से यहां पर टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ओके,
तो ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको होस्ट रेडी का मैसेज शो हो चुका है। वापस जाएंगे रिमोट डेस्कटॉप वाले टैब में और यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे रिमोट एक्सेस पर और आपको आपका यहाँ पर रिमोट डिवाइस ऑनलाइन मिलेगी। आपने इस पर क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट हमने, जब हमें ये प्रॉम्प्ट करेगा, यहाँ पर हमने जो 6 डिजिट का पिन सेट किया था वो टाइप करना है। और अगर आप इसे रिमेम्बर करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इस एरो बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा डेबियन लिनक्स का RDP क्रिएट होकर हमारी रन हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर कोई ब्राउजर इंस्टॉल्ड है या नहीं, क्योंकि जो RDP है आपको पता ही, आपने किस लिए यूज करनी है, तो वहां पर हमें कोई ना कोई ब्राउजर चाहिए जिसके थ्रू हम इंटरनेट को ब्राउज कर सकें। आपने एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर वेब ब्राउजर में के अंदर आपको कोई भी ब्राउजर शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी ब्राउजर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्रोम, जो गूगल का क्रोम ब्राउजर होता है, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर फायरफॉक्स मोजिला भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि लिनक्स मशीन के अंदर कई बार हमारा जो क्रोम का ब्राउजर है वो दिक्कत क्रिएट करता है, एरर देता है, तो उस टाइम हम फायरफॉक्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो मैंने आपको यहाँ पर क्रोम के लिए लिंक दिया हुआ है, आप उसे यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। मैं फिर से कर लेता हूँ, और आप शेल में जाएंगे और यहाँ पर आप कमांड रन करेंगे sudo wget, और उसके बाद जो आपने लिंक कॉपी किया उसे कर देंगे पेस्ट और इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। फिर हम पहले वाले स्टेप डाउनलोड रिपीट करेंगे, जो आपने रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए किया था, आपने इस फाइल नेम को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर कमांड दे देंगे इंस्टॉलेशन के लिए। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर इजिली विजिबल रहे। sudo apt install, उसके बाद .backslash और जो आपने फाइल नेम कॉपी किया था उसे यहाँ पर कर लीजिए पेस्ट और इंटर प्रेस कर दीजिए। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि 327 MB स्पेस चाहिए, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप यहाँ पर वाई टाइप कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। ओके, तो ये भी आपका यहाँ पर क्रोम का ब्राउजर इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब हम फिर से अपनी RDP में चलते हैं, एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इंटरनेट पहले नहीं था, वो आइकन आ चुका है। बाकी अगर आप वेब ब्राउजर पर भी क्लिक करते हैं तो आपको पहले यहाँ पर एरर शो हुई थी, अब हमारा यहाँ पर क्रोम ब्राउजर आ चुका है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर कई बार क्या दिक्कत आती है कि आप लोग जब इंटरनेट यूज करते हो, मैं आपको इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड टेस्ट, तो आप यहाँ पर इंटरनेट ब्राउज नहीं कर पाते। देखो ये सर्च हो चुकी है, बट मैं रन स्पीड टेस्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। कुछ केसेस में आपका यहाँ पर क्रोम के अंदर इंटरनेट काम नहीं करेगा, सर्च करेगा, बट आप जब कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर शो होगी। तो उसके लिए आपने फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लेना है, वो भी उसके स्टेप भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमें इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड है जो वो 200 MB और अपलोड स्पीड हमें 300 MB मिल रही है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार YouTube खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, YouTube ओपन हो रही है। अब हम एक बार यहाँ पर, और ये देखिए ये एरर आती है यहाँ पर SIGIL, तो इस तरह से देखिए सर्च होगा, सारा कुछ होगा, बट जब आप यहाँ पर ब्राउज करेंगे कुछ वेबसाइट्स प्रॉपर रन होती हैं, कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर नहीं चलेंगी। ठीक है, तो उसका सलूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो हम फिर से व्हाट इज माय आईपी में जाते हैं और ये देखिए एरर आ चुकी है। इसका सलूशन क्या है फ्रेंड्स, कि आप फिर से शेल में जाएंगे और हम यहाँ पर फायरफॉक्स मोजिला का फायरफॉक्स ब्राउजर आता है उसे इंस्टॉल कर लेंगे। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स पहले। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप पहले तो अपने लिनक्स को अपडेट कर लीजिए sudo apt update। ठीक, फिर हमने कमांड कॉपी कर ली है और इधर इसे कर लेते हैं पेस्ट और इंटर प्रेस कर देते हैं।
चीप तो हमारी लिनक्स अपडेट हो रही है और ये तकरीबन तकरीबन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फिर से स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। अब हम अपनी इंस्टॉल के लिए ये सेकंड कमांड रन कर देते हैं। इसे भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा फायरफॉक्स भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपनी आरडीपी में चलते हैं, एप्लीकेशंस में चलते हैं, इंटरनेट में चलते हैं। उसके बाद हम अपने फायरफॉक्स को क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब हम यहां पर सबसे पहले अपने आईपी को चेक करते हैं। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। तो आप देखिए हमारा आईपी एड्रेस की वेबसाइट यहां पर चल चुकी है और हमें सिंगापुर का आईपी असाइन है। अब अगर हम यहाँ पर YouTube को ओपन करें तो देखते हैं, वैसे तो 100% चलेगी, मेरा ये टेस्टेड मेथड है। लिनक्स के अंदर कई बार Google Chrome दिक्कत देता ही देता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा। फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड चैनल है धार्मिक बातें, मैं आपको वो एक बार दिखा भी देता हूँ, ये वाला। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है फ्रेंड, आपने गेटवे सॉल्यूशन के चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। बट अगर आपको इस तरह की वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी अच्छी लगती हैं, तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ से लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।